हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं एमटेक यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का टॉपिक है ईमेल आईडी के बारे में। जो आप यूज़ करते हैं गूगल का जीमेल आईडी, उसका यूज़ केवल ईमेल भेजना ही नहीं है, बहुत सारे यूज है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत तरीके से यूज है इसके। पहला यूज मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा ये वीडियो। गूगल ड्राइव आता है जो हर फोन के साथ आता है, उसके अंदर आप जीमेल आईडी लिंक होता है वैसे तो, उस चीज़ को यूज करके, वो एक ऑनलाइन मेमोरी होता है, उसमें आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिशन का फॉर्म लगाते हैं तो उसका प्रिंट वहाँ पर आप सेव कर पाएंगे, और ऐसे में बहुत सारे जो भी आपके यूजफुल डॉक्यूमेंट है, आपके कोई भी जानकारी है जो आप वहाँ पर सेव करके रखना चाहते हैं, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी वो शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक का ऑप्शन रहेगा और ज़रूरी ऐसे आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ एप्लीकेशन की भी रहेगी, एप्लीकेशन को भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं वो जीमेल आईडी में यूज़ कर सकते हैं। आपका जब भी कोई फ़ोन में मिस्टेक हो, फॉर्मेट हो, तो आपके कॉन्टैक्ट वापस आ जाएंगे आपका जो जीमेल आईडी है वो अपने फ़ोन में लगाते ही। तो ऐसे में यही एक इंटरेस्टिंग ट्रिक भी है, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो कॉन्टैक्ट है वो सेव रहेगा हमेशा उस जीमेल आईडी पे, और जब आप चाहे जिस डिवाइस में आप लॉगिन करेंगे उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर चला जाएगा। और तीसरा यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपका जो फ़ोन है उसके अंदर डेटा ऑन रहता है और आपका फ़ोन गुम हो जाता है, कहीं आपको मिलता नहीं है, तो उसको सर्च कर सकती है। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे फाइंड माई डिवाइस, तो वहाँ पे आपको जीमेल आईडी से, उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा जो आपका डिवाइस में है। उससे आप अपने फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे, वहाँ पे अपने फ़ोन को रिंग कर पाएंगे, और चाहे तो आप अपने फ़ोन का डाटा इरेज भी कर सकते हैं और फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो ऐसे में ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है गाइज। इसके अलावा ये यूट्यूब का जो मेरा चैनल चल रहा है, ये भी एक जीमेल आईडी से ही लिंक, जीमेल आईडी से ही इसका अकाउंट बनाया गया है। तो ऐसे में आप बहुत सारे जो ऑनलाइन अकाउंट बनते हैं जीमेल आईडी से लिंक होके, वो भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो गूगल का गूगल फोटोज़ है वो भी इसी से लिंक है। बहुत सारे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है वो मैं आपको अगले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनमें डिस्कस करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा।